एडिशन ऑफ अल्केन टू अल्कीन, ये इसका यूज जो होता है, एडिशन ऑफ अल्केन का एडिशन अल्कीन के साथ हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं आइसो ऑक्टेन के फॉर्मेशन के लिए। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग अल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी एक अल्काइल ग्रुप चूंकि ऐड हो रहा है इसलिए इस रिएक्शन को अल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में दो कंडीशन हमें जरूरी होता है कि जो अल्कीन हम ऐड करना चाह रहे हैं उसके पास टर्शियरी हाइड्रोजन हो, यानी कि ऐसा हाइड्रोजन जो टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ हो, और जो चूँकि अल्केन काफ़ी इनर्ट ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है इसलिए हमें एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की ज़रूरत होती है जो कि रिएक्शन को प्रोसीड कर सके, आगे बढ़ा सके। तो आइसोब्यूटिलीन का के साथ अगर हम लोग आइसोब्यूटेन का एडिशन कराएं तो यहाँ से हमें आइसो ऑक्टेन मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा एक एंटी नॉकिंग एजेंट है जिसका यूज हम लोग फ्यूज में करते हैं, गैसोलीन में करते हैं, और इसके लिए ऑक्टेन नंबर 100 होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो अगर आइसोब्यूटिलीन का हम लोग रिएक्शन कराएं आइसोब्यूटेन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पॉन्क H2SO4 और HF एट 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर कम होना चाहिए, तो हमें आइसो ऑक्टेन मिलता है। और ये एक मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसके लिए, आइसो ऑक्टेन का। अब हम लोग इसके रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखते हैं। अगर हम अल्कीन का एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होता है कि H+ वो एसिड देता है, और ये वो H+ जो है यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करता है, यानी कि ये रिएक्शन भी जो है एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और H+ के साथ क्या करेगा, जैसे अदर्स रिएक्शन में होते हैं जब भी H+ होगा तो वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और एक कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करेगा। आइसोब्यूटिलीन के केस में एक 3 डिग्री कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो जाता है इसलिए यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं है, लेकिन अगर अदर्स अल्कीन हो तो वहाँ रीअरेंजमेंट की संभावना रहेगी चूँकि कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है। और क्या होगा, यहाँ से अगर H+ ले लिया तो यहाँ एक B- यानी कि जो अदर्स पार्ट रह जाएगा एसिड का वो निकल जाएगा। अब कार्बोकटायन जो फॉर्म किया वो क्या करेगा, वो अदर अल्कीन के लिए एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। अब अल्कीन क्या करेगा, उसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो कार्बोकटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये जाके इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा ताकि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन फॉर्म कर सके। तो यहाँ पे एक अदर्स कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या होगा कि जो हमने लिया है ब्यूटेन लिया है वो उसका जो हाइड्रोजन है वो एज ए हाइड्राइड, मतलब यहाँ से वो जो पूरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके इस बॉन्ड, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होगा उस पूरे इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ पे चला आता है और एज ए हाइड्राइड यहाँ पे आके ऐड हो जाता है और आइसोक्टेन का फॉर्मेशन होता है और हमें फिर वही कार्बोकटायन मिलता है जो पहले स्टेप में हमने मिला था। ये रिएक्शन को बार बार आगे बढ़ाते रहेगा। और आइसोक्टेन क्या है, 2-2-4 ट्राइमिथाइल पेंटेन जो कि यहाँ पे फॉर्म करेगा। कार्बोकटायन क्या है का यूज जो है यहाँ पे उसका देखिए, यहाँ पे जो कार्बोकटायन फॉर्म किया है वो क्या कर रहा है, वो एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है हाइड्राइड को, किससे, ब्यूटेन से। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चूंकि मान लीजिए हमने सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन लिया है इथीन, और उससे हमको ऐड करना है किसको, आइसोब्यूटेन को। हमारे पास ऐसा अल्कीन होना चाहिए जिसके पास टर्शियरी हाइड्रोजन हो, ये एक कंडीशन है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि जब तक ऐसा नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा और हमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड की भी ज़रूरत है। ताकि वो क्या करेगा, ये यहाँ पर जाके ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एडिशनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। अल्कीन क्या होगा, सिंपली जाके अल्कीन के साथ ऐड हो जाएगा अगर हमें प्रोडक्ट बनाना हो तो, और हमें प्रोडक्ट मिलेगा। एसिड का क्या काम होगा, वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम जो लेंगे वो क्या करता है कि यहाँ से टर्शियरी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करता है। जब हमें टर्शियरी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो गया और कार्बोकटायन फॉर्म हो गया तो उसके बाद तो पता है कि कार्बोकटायन एज ए इलेक्ट्रोफाइल नेक्स्ट स्टेप में काम करेगा किसके लिए, अल्कीन के लिए। तो अल्कीन जो है उसका पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बोकटायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अल्कीन
कि इस पोजीशन पे इस कार्बन पे जाके ऐड हो जाएगा। अब जिस तरह का भी कार्बोकटायन फॉर्म करे, ये हमें देखना होगा कि किस तरह का कार्बोकटायन फॉर्म किया है और क्या वहाँ पर रीअरेंजमेंट की संभावना है। तो अगर रीअरेंजमेंट की संभावना है तो हम रीअरेंजमेंट करेंगे। इस केस में देखिए कि यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकटायन फॉर्म किया है, चूँकि इथीन है तो 1 डिग्री कार्बोकटायन फॉर्म किया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या यहाँ से हम रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। तो हाँ, अगर हम यहाँ से एक हाइड्राइड को यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये प्लस चार्ज जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हमें एक 2 डिग्री कार्बोकटायन मिल जाएगा जो कि 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होके हमें 2 डिग्री कार्बोकटायन मिल जाएगा। फिर हम देखेंगे कि क्या और रीअरेंजमेंट संभव है। तो हाँ, यहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप है, किसी भी एक को, इसको या इसको, हम कहीं को भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो 1-2 मिथाइल शिफ्ट होके हमें एक 3 डिग्री कार्बोकटायन मिलेगा। तो 3 डिग्री कार्बोकटायन 2 डिग्री कार्बोकटायन से ज़्यादा स्टेबल है तो वही फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्राइड हमें पहले एसिड से निकला था वो हम लोगों ने देखा था, वो क्या करेगा, यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा और हमें एक अल्केन मिलेगा जो कि अल्कीन और अल्केन के मिलने से बनेगा, लार्जर इन साइज होगा। तो इसका यूज हम लोग कन्वर्सन में भी कर सकते हैं। यहाँ से ही हम आगे और अलग अदर रिएक्शन करके फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अलग अटैच कर सकते हैं। तो कन्वर्सन में भी ये रिएक्शन काफ़ी यूज होता है। और अल्काइलेशन रिएक्शन का यूज, मेन यूज जो है वो है आइसो ऑक्टेन का फॉर्मेशन। ये इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर आइसो ऑक्टेन भी है। थैंक यू।